हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे और मैं कमेंट सेक्शन को भी पढ़ रहा था, जिसमें मैं देख रहा था कि लोग पूछ रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने ESIC, UDC या MTS का को अप्लाई नहीं किया है, या RBI असिस्टेंट को अप्लाई नहीं किया है, या तो उनके स्टेट में कम वैकेंसी थी जहाँ वो अप्लाई करना चाहते थे, या और भी कोई रीज़न था, या कम वैकेंसी कारण नहीं अप्लाई किए, या उनकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही किए थे। तो वो लोग SBI क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं 2022 को। तो उसका जैसे कि एक्सपेक्टेड डेट है 9 जुलाई, यानी कि जुलाई में होना है। यदि 9 को नहीं भी हो तो वो टेंटेटिव डेट है, तो जुलाई में उसको होना तय ही है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम क्या बचता है? मार्च आधा खत्म हो चुका है हमारा, तो मार्च हाफ ले लेते हैं। जिन लोगों ने ESIC और RBI असिस्टेंट अप्लाई किया है तो उनके लिए तो ये मंथ वैसे भी एग्जाम के चक्कर में निकलेगा उनका। तो अप्रैल मई जून अच्छे से देखें तो हमारे पास 90 to 100 days का हम मान के चलते हैं हमारे पास है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं बता दूं कि SBI क्लर्क का जो हमारा प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैक्स टू मैक्स 30 days, बहुत से बहुत मिल गया तो 45 days। यदि डिले हो गया तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अभी हम जो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट ये जो पढ़ रहे हैं, ये हमें पढ़ते ही रहना है। इसके हमें मॉक लगाना डेली एक एक स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अभी जो लोग ESIC और RBI असिस्टेंट का दे रहे हैं तो वो अभी यही मॉक लगाएं, क्योंकि सिलेबस सेम ही है। बट जब एक बार ये खत्म हो जाता है तो आप SBI क्लर्क के मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, अभी से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे ही ये सब पेपर खत्म होता है आपका, SBI क्लर्क पे आप लोग पूरा फोकस कर लो। और बात करते हैं, एक सेक्शन हमारा GA आता है। GA को लोग ना बहुत सारे लोग अभी भी छोड़ के चल रहे हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि पता है आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, बट मेंस में ना GA एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप कट ऑफ देख रहे हो 100 पार भी चला जा रहा है बहुत सारे स्टेट का। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको GA सेक्शन में अच्छे स्कोर करने हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है? अभी से GA करना है, लास्ट 6 month का GA करना है। आपको फरवरी से लेके जून तक का GA को कंप्लीट करना है, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। यदि अभी तक भी आपने नहीं किया है, अभी आधा मार्च खत्म हुआ है, तो आप अभी 1 month फरवरी और आधा मार्च का GA कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो मैंने सभी चीज़ों के लिए बोला हुआ है कि आप मॉक डेली आपको एक लगाना है, और आपको क्वांट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और एक बात और, आपको अभी से मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी लगाने शुरू कर देने चाहिए। जब आपके एग्जाम होंगे उससे 1 month पहले आप प्रीलिम्स के सिर्फ लगाना, बट अभी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लगाने चाहिए। उससे आपको बहुत फायदा होगा आगे चल के। ठीक है, ये तो हो गई एग्जाम की बात। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप सिंपली, मैं आप सबको बोलता हूँ, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो क्वेश्चन PDF। बहुत सारे लोग बोलते हैं वहाँ नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप गाइडली का PDF कोर्स खरीद सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, डेली टारगेट मिल जाएगा, तो आपको कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। Sonal12 कोड यूज करेंगे तो आपको आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 70% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है उस पर, तो आप ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट कौन सा यूज़ करें, तो मैं बता दूं, और स्मार्ट कीरा का किट के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उसका यूज़, मतलब उसमें जो 25% ऑफ होता है वो कब से मिलेगा, तो वो होली ऑफर में आ गया है। अभी 25% ऑफ मिल रहा है। Sonal10 कोड यूज़ करेंगे उसके लिए तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, आप लेना चाहें स्मार्ट कीरा का मॉक तो आप ले सकते हैं, अभी बहुत सही टाइम है उसका। ठीक है, तो बस आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन आपको अभी से ही करते रहना है, उसमें आपको एकदम डिले नहीं करना है, वो आपको करते रहना है। कभी बीच में एक भी दिन गैप नहीं लेना है, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत हो। ठीक है, बाकी सारे समय को आप टाइम को अच्छे से यूज करिए। इंग्लिश के लिए आप कर सकते हैं डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करिए, उसको रीडिंग करिए न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज को, और आप एक सेक्शनल मॉक लगाइए। बहुत सारे बोलते हैं इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। मार्क्स इंप्रूव होने के तरीके हैं, तो है, आप एक बार मॉक लगाओ सेक्शनल, उसमें देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, आपके फिलर्स में दिक्कत हो रही है, सिटिंग अरेंजमेंट सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत हो रही है, किस चीज़ में दिक्कत हो रही है उसको ठीक करो। यदि ग्रामर मिस्टेक हो रही है तो उसको ठीक करो, ग्रामर के बेसिक एक बार क्लियर कर लो। अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है, बाद में हमको टाइम नहीं मिलेगा वो वाला, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अभी हमारे पास टाइम है तो उसको अच्छे से यूज़ करें। और इसी तरह क्वांट में कर सकते हैं। क्वांट में हमको DI ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए, उससे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ताकि स्पीड हमारी बनी रहे, हम 5-10 क्वेश्चन वैसे ही तुरंत कर ले जाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जल्दी सॉल्व कर लें। ठीक है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम सॉल्व करें, कुछ कुछ जो मेन मेन टॉपिक है उसके परसेंटेज, रिसीव प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, ये सब टॉपिक को हम ठीक करें। ऐसे ही रीजनिंग की बात करें तो हमें पजल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी मिसलिनियस के भी क्वेश्चन के भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे इरेगुलरिटी हो गई, सिलॉजिज्म हो गया हमारा, तो जो भी टॉपिक है हमारा उस पर कोडिंग डिकोडिंग सबको हमें तैयार रखना है, ताकि एग्जाम आए तो हम फटाफट। रीजनिंग में तो 35 में 35 आपका होना चाहिए टारगेट, और क्वांट में भी आपका 30+ होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका 20+ होना चाहिए। क्वांट में भी आप 35 में 35 ला सकते हो। ठीक है, बट रीजनिंग में तो आप ला ही सकते हो किसी भी हाल में, क्योंकि रीजनिंग से ईजी पेपर मुझे कुछ लगता ही नहीं है। रीजनिंग बहुत ईजी होता है, आप सबको भी पता होगा, तो रीजनिंग में आप 35 टारगेट करके चलो। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको अच्छे से टारगेट करना है, आपको हमेशा 85+ 80-85+ ही आपको सोचना है, उससे नीचे नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आपको उतना टारगेट 90 लाते हो तो और भी अच्छी बात है, बट आपको 80-85+ ही सोचना है SBI में, उससे कम नहीं सोचना है, ठीक है। अब कट ऑफ जितना भी जाए आपको उतना सोचना है, और बाकी जो था वो मैंने बता दिया। अब आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, बस आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय। और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं डेली क्विज करवाता रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं सेंड करता हूँ वहाँ पर, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, बाय।